The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, aaj hum baat karne wale hain ectopic beats ke bare mein. तो एक्टोपिक बीट्स क्या होती है? देखिए, हार्ट के अंदर एक पेसमेकर होता है. पेसमेकर का मतलब जो कि बीट जनरेट करता है, राइट? आपका हार्ट में चार चेंबर्स होते हैं. ये चार चेंबर्स के बीच में यहाँ पर आपका लेफ्ट और राइट, यहाँ पे जो ऊपर वाले दो चेंबर्स हैं इनको हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले दो चेंबर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है? तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स में राइट एट्रियम के ऊपर यहाँ पर एक पेसमेकर होता है आपका, जो होता है SA नोड. यहाँ से जो नर्व इम्पल्सेस, जो आपकी हार्ट बीट की इम्पल्सेस निकलती हैं और यहाँ तक AV नोड तक जाती हैं. यहाँ पर तीन फाइबर से वो जाती हैं और उसके बाद ये नीचे इस वॉल से निकल के इस तरह से पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाती हैं. तो उस तरह से हार्ट धड़कता है. अगर कभी ये होता है कि इस SA नोड की जगह बीट कहीं एट्रियम से निकल के आए, जनरेट हो जाए, कहीं से भी निकल के वेंट्रेट हो जाए, तो वो एक एक्टोपिक बीट होती है, ठीक है? तो जी हाँ, आपके हार्ट की सारे टिश्यूज जो हैं वो बीट जनरेट कर सकते हैं. आपके SA नोड जनरेट कर सकता है, AV नोड जनरेट कर सकता है. इस चीज़ को यहाँ पे जो बंडल है नर्व्स का, उसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं. बंडल ऑफ हिज ये जनरेट कर सकता है. यहाँ पर जो थोड़े बहुत फाइबर्स जाते हैं उनको परकिंजी फाइबर्स कहते हैं. ये परकिंजी फाइबर्स जनरेट कर सकते हैं, परकिंजी फाइबर्स जनरेट कर सकते हैं बीट. तो ये सब बीट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन SA नोड सबसे मेन इसलिए है क्योंकि इसकी बीट जनरेट करने की स्पीड सबसे ज़्यादा है, राइट? इसीलिए आपका SA नोड सबसे ज़्यादा कवर करता है. लेकिन आपके ये एट्रियम्स, ये भी बीट जनरेट कर सकते हैं, वेंट्रिकल्स भी बीट जनरेट कर सकते हैं, SA नोड, नोड के पास से भी बीट जनरेट हो सकता है. इसीलिए जब ECG में बीट जनरेट होती है तो पहले एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसी के पास से बीट बन रही है, राइट? तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए ECG में पहले छोटा कॉन्ट्रैक्शन आता है. उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन आता है बड़ा वाला. वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं. ये वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन का होता है पी वेव, फिर ये QRS कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव, राइट? सो ये ECG होता है और पी वेव है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और टी वेव वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. सो एक्टोपिक बीट होती है जब, तो ऐसे केसेस में कई बार पी वेव नहीं आती या पी वेव उल्टी सीधी आती है. यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से जनरेट होने में पी वेव ऐसी दिख रही है, तो अगर आधे जगह से जनरेट होगा तो पी वेव की हाइट भी आधी हो जाएगी. पी वेव की हाइट आधी हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा. कई बार पी वेव यहाँ से नोड से जनरेट होगा तो पी वेव आएगी ही नहीं, सीधा QRS कॉम्प्लेक्स आएगा, या फिर पी वेव उल्टी भी आ सकती है, राइट? सो इस तरह के चेंजेस होते हैं पी वेव में, जिससे पता चलता है कि आपका बीट्स जो है एक्टोपिक है, एट्रियल है कि वेंट्रिकुलर है. अगर वेंट्रिकुलर बीट होगी तो QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, उसकी जितनी वाइडनेस है उससे कहीं ज़्यादा वाइड हो जाएगा QRS कॉम्प्लेक्स, राइट? तो QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो रहा है, राइट? तो हम समझ सकते हैं कि वो वेंट्रिकुलर जनरेट हुई. और कई बार वाइड के साथ साथ उसका जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगा, तो शेप भी चेंज हो जाएगा और वो भी चेंज हो जाएगा उसकी मॉर्फोलॉजी. तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक बीट. एक्टोपिक बीट का कारण होते हैं बहुत सारे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अगर आपके शरीर में पोटेशियम ऊपर नीचे हो गया, ऊपर हो गया तो भी गड़बड़, नीचे हो गया तो भी गड़बड़. आपके शरीर में सिवियर डिहाइड्रेशन के वजह से भी ऐसा हो सकता है, राइट? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉब्लम होने के बाद आपके शरीर में अगर हार्ट के इस एरिया को जहाँ SA नोड है वहाँ पर डैमेज हो गया किसी कारणवश, तो भी ऐसा हो सकता है. सो इन सारे कारणों के वजह से आपको एक्टोपिक बीट आ सकती है. एक्टोपिक बीट अगर आती है तो आपको टेस्ट कराना होगा, जिसका नाम है
होल्टर मॉनिटरिंग से पता चलता है 24 घंटे लंबी ईसीजी होती है। अगर ईसीजी नहीं पकड़ पाई, प्लेन ईसीजी पकड़ पाई तो वेरी गुड, नहीं तो होल्टर 24 घंटे लंबा ईसीजी वो पकड़ पाए तो बहुत अच्छे, नहीं तो ईएलआर एक्सटेंडेड लूप रिकॉर्डर जो एक हफ्ते तक चलता है। होल्टर 24 घंटे तक चल सकता है, लगा सकते हैं, और ईएलआर 1 वीक 7 डेज तक लगा सकते हैं, मतलब अलग अलग इसके ये है। तो इस तरह पकड़ते हैं कि क्या कारण है। टेस्ट में और टेस्ट भी किए जाते हैं, आपके टीएसएच, थायराइड फंक्शंस, टीएसएच, T3, T4, और साथ में आपका इकोकार्डियोग्राफी, वो भी करना जरूरी है। तो यो ही बात इन शॉर्ट एक्टॉपिक बीट्स के बारे में। ये एक्टॉपिक बीट्स हार्ट अटैक में भी आ सकती हैं, खासकर जब हार्ट का निचला हिस्सा इन्फीरियर वॉल इन्वॉल्व हो। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।